तो यार हम लोग स्पॉन हो जाते हैं एक विलेज के सामने, और मैं जाता हूँ भाई सीधा यार ब्लैक स्मिथ को ढूंढने। और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का घर मेरे को मिल गया था, तो मैं अंदर जाता हूँ और उसकी चेस्ट को लूटता हूँ भाई। और चेस्ट में से मुझे मिलता है भाई लिटरली 3 डायमंड और एक आयरन की चेस्ट प्लेट, और मेरे दोस्त को मिलता है भाई आयरन का आधा आर्मर। तो मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे को भी थोड़ा सा दे दे, मतलब उसने मेरे को दया खा के हेलमेट दे दिया, ठीक है। और यार पता नहीं पर क्यों मैंने उसको मेरे 3 डायमंड दे दिए, और मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करते रहता हूँ आई डोंट नो। तो यार यहाँ पे इतना करने के बाद मैं जाता हूँ पीछे, भाई रूइन पोर्टल दिखता है भाई मेरे को। तो भाई यार मैं सीधा जाता हूँ उसको लूटने, और भाई इस बंदे को देखो, मतलब भाई लूटने में माहिर है भाई। और इसमें मेरे को एकदम घटिया सी चीज़ें मिलती, एकदम बकवास। तो रात होते मैं सो जाता हूँ भाई, एकदम गुड नाइट, एकदम खतरनाक सी। एंड यार सुबह उठते ही क्या देखो भाई, यार क्रीपर फूट गया यार मुंह के सामने, मतलब भाई गजब बेचती है यार। तो यार यहाँ से मैं बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ के मैं यहाँ से वुड को कटिंग कर लेता हूँ। एंड यार वुड को चॉप करने के बाद मैं यार यहाँ पे आयरन गोलम की बलि चढ़ाने आता हूँ, और 2 ब्लॉक ऊपर जाते हैं भाई गलती से उसको लग जाता है भाई। मैं तो एकदम डर के मारे ऊपर चढ़ जाता हूँ और इसको मारने लगता हूँ एकदम ठप्पा ठप। और यहाँ पे मेरा दोस्त भी आ जाता है भाई आयरन गोलम को मारने के लिए। मैं जब अपनी इन्वेंटरी खोलता हूँ, और भाई तब तक तो मेरा दोस्त आयरन लेके भाग जाता है भाई। मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे को अपने आयरन दे दे, मेरी मेहनत थी तो वे मेरे को अपने आयरन दे देता। और मैं फटाफट से अपने लिए वुडन की टूल्स बनाता हूँ, और मैं स्टोन माइनिंग के लिए चल जाता हूँ। और यहाँ पे भाई मैं स्टोन माइनिंग करता हूँ भाई बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी। यार स्टोन माइनिंग करने के बाद मैं आता हूँ ऊपर, और मैं बनाता हूँ स्टोन की सॉर्ड एक्स एंड आयरन की पिकैक्स भाई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और यार एक फर्नेस भी बना लेता हूँ मैं अपने लिए, और यार मैं और मेरा दोस्त एक खतरनाक सा डांस करते हैं। चरस रानिया मेरे को प्यारा, फुकु मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत। तो गाइस मैं और मेरा फ्रेंड डिसाइड करता है कि हम लोग बनाएंगे एक घर, और मैं जाऊंगा वुड कलेक्ट करने के लिए, मतलब कि मजदूरी करने के लिए। और मैं वुड कटिंग करता हूँ, और रात हो जाती है तो मैं भागता हूँ भाई। Run. यार सुबह होते मैं फिर से अपने वुड कटिंग करने के लिए चला जाता हूँ, और हमारे आइलैंड पे बहुत सारी ट्रीज नहीं थी, इसलिए मैं बोट बना के दूसरे आइलैंड पे चला जाता हूँ, और वहाँ पे जाके वुड कटिंग मतलब की मजदूरी चालू कर देता हूँ। एंड यार अभी मेरे पास इनफ वुड आ चुकी थी, मतलब कि 50 वुड, और इस वुड से हम लोग अपना घर बना सकते हैं, मतलब छोटू सा घर। तो चलो बनाते हैं छोटू से घर को, और उसके लिए हमें इतना सारा मतलब सामान चाहिए, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना छोटू सा घर बनाने का काम। तो यार पता नहीं मेरे दोस्त को यहाँ पे क्या चुनौती है, वो बोलता है भाई मैं जाऊँगा विलेजर के घर में रहने के लिए। मैंने कहा भाई मेरा घर बनाने में हेल्प तो कर दे, फिर भी नहीं आता, और इसका बदला भाई मैं आगे बहुत ही तगड़ा लूँगा भाई, देखना आप वीडियो को एंड तक। तो यहाँ पे अपना छोटा सा घर बनाने को स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आप इंजॉय करिए ये छोटी सी क्लिप। और यार यहाँ पे भूख लगती है तो थोड़ा सा खाना खाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ भाई। और अभी बारी थी इंटीरियर की, तो मैं फटाफट से अंदर आता हूँ, और नीचे के सारे ग्रास ब्लॉक हटाकर मैं वहाँ पे लगाता हूँ वुडन प्लैंक्स। और भाई यहाँ पे देखो मेरा दोस्त साइन बोर्ड पे क्या लिख रहा है, 30 हाउस, मतलब कुछ भी भाई, इसका बदला मैं आगे बहुत ही तगड़ा लूंगा भाई। ये बंदा रोने वाला है, समझ लेना भाई।
अभी काम करते हैं, अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं और अभी हम लोग बनाते हैं अपने घर की छत। तो यार मेरा प्लान ये है ना कि इस रात को मैं सोऊंगा नहीं और मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड के घर में, एकदम चोरी कर लेंगे भाई, उसमें जो भी सामान रखा होगा पूरा डाका डाल लेंगे भाई। तो चलो चलते हैं। एंड यहाँ पे भाई चेस्ट, और एक सेकंड भाई साइन बोर्ड क्या लिखा है, अगर किसी ने चोरी की तो तोड़ दूंगा भाई, अभी तो मैं खोलूंगा भाई। क्या है ओरे भाई, डायमंड की पिकैक्स भाई, लेके भागता हूँ भाई जल्दी से इधर से। ओरे ओरे ये उठ चुका है, ओ शिट